श्री तेज प्रताप जी ने आदरणीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू की तुलना एक लोटा पानी से की ही नहीं थी। ये जो खत है यही तो संदेह उत्पन्न करता है। ये खत पर जो सियासत कर रहे हैं लोग, स्वर्ग लोक से भी रघुवंश बाबू माफ नहीं करेंगे। क्या एक लोटा पानी का बयान आरजेडी को भारी पड़ सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है? हमारे साथ बात करने के लिए है मृत्युंजय जी, आरजेडी के प्रवक्ता है। ये बताइए कि रघुवंश बाबू जैसे नेता की तुलना एक लोटे पानी से कर दी गई और आपके तेज प्रताप यादव ने किया, कितना भारी नुकसान आप लोग उठाना पड़ेगा, ये पता है? कतई नहीं। श्री तेज प्रताप जी ने आदरणीय स्वर्गीय रघुवंश बाबू की तुलना एक लोटा पानी से की ही नहीं थी। इसको मुद्दा बना रही है एनडीए, इसलिए कि एनडीए के नेताओं को ये आभास हो चुका है जनता के आक्रोश से कि एनडीए की लोटिया बिहार में डूबेगी। तो अब लोटिया इनकी एनडीए की डूबेगी तो ये एक लोटा की बात को लेकर घूम रहे हैं। तो जनता सब देख रही है, कुछ विधायकों को तोड़कर वो जेडीयू अपने पाले में ले गए। इसी पर तेज प्रताप जी ने कहा था कि एक लोटा पानी। आदरणीय रघुवंश बाबू इस पार्टी के, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मिल करके इस पार्टी को सींचने का काम किया, जिन्होंने उनके खत पर सियासत किया, ये पता चल रहा है कि उनको वोट के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। यही सबसे बड़ा दिक्कत एनडीए को है, इसलिए इस खत पर सियासत हो रही है। रघुवंश बाबू के विचार राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो थे, जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, स्वर्ग लोक से भी एनडीए के विचारों से वो लड़ते रहेंगे और इनको बकसने वाले नहीं। प्रताप यादव लगातार कोई ना कोई विवादित बयान दे देते हैं, चाहे वो एक लोटा पानी की तुलना रघुवंश बाबू से किए हों या फिर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भी वो देखा जा रहा है कि अपने उम्मीदवार की लिस्ट सूची तैयार किए हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि वो परेशानी की सबब बन रहा है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था? देखिए, कहीं कोई परेशानी का सबब नहीं है। श्री तेज प्रताप जी 18 महीने तक स्वास्थ्य मंत्री रहे, स्वास्थ्य महकमा के जब उन्होंने 18 महीने संभाला, कोई एक दाग बता दीजिए उनके ऊपर, जो कोई ऐसा हरकत उन्होंने किया हो, कोई ऐसा काम किया हो जिससे बिहार की जनता दुखी हो। देखिए, ये मुद्दा बनाया जाता है। वो ठीक है कि उन्होंने बार बार कहा है हम कृष्ण हैं, तेजस्वी यादव अर्जुन है, लेकिन इसके बाद भी लोग चाहते हैं कि दोनों भाइयों में इस तरह का मतभेद पैदा हो, इस तरह का बयान हो, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा, जनता के सवालों पर आना होगा ना। तेज प्रताप यादव अब वो बदल रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र को, अब महुआ से वो हसनपुर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि डर गए हैं तेज प्रताप यादव महुआ की जनता से? पूरा बिहार, पूरे बिहार की लड़ाई है, एक विधानसभा का कहाँ सवाल है। अब कौन कहाँ से लड़ेगा ये तो बाद में तय हो जाएगा, नेतृत्व पार्टी का तय करता है, लेकिन लड़ाई जो है भाई, झारखंड में आपने देखा, दिल्ली में आपने देखा, वही पटकथा बिहार में लिखी जानी है। एनडीए के लोगों में किस तरह घमासान है, चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी को पत्र लिखते लिखते थक गए, आईना दिखा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी को कहा है चिराग पासवान जी ने कि यहाँ शासन में 15 वर्षों कुछ नहीं काम हुआ है, जनता में आक्रोश है। देखिए, धारा बाबू की जब चिता जल रही थी तो उस वक्त दो घटनाएं हुई, एक नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं, दो मंत्री नीरज सिंह और जयकुमार सिंह, ये वहाँ पर नारे लगा रहे थे और रघुवंश बाबू को गांधी से तुलना कर रहे थे, रघुवंश बाबू की तुलना। दूसरी तरफ जयकारे नारे लगाए जा रहे थे जब तेजस्वी यादव वहाँ पहुँचे थे, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। आपको लग रहा है कि ये दो नारे कितने उचित हैं उस समय के लिए? देखिए, नारे रघुवंश बाबू नारे के भूखे नहीं थे, वो नारे से भी ऊपर जो उनके विचार थे, जो उनकी सादगी थी, जो समाजवादी आंदोलन को उन्होंने खड़ा किया था, वो ना कोई भूला है ना भूलेगा। लेकिन हम तो अपने विरोधियों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। अब तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया ना कि रघुवंश बाबू मनरेगा मैन थे, उन्होंने जो काम किया था, तो राष्ट्रीय जनता दल जब लालू प्रसाद जी केंद्र में थे तो बिहार के लिए काम हुआ था, अब वो स्वीकार कर रहे हैं। कल तक तो रघुवंश बाबू पर अपशब्द यही लोग कह रहे थे, आज प्यार और प्रेम दिखा रहे हैं। अगर इतना ही प्यार और प्रेम है तो अपने गिरेवान में झांकिए कि आपने किस तरह दिग्विजय सिंह जी जेडीयू के, आज आत्मा उनकी कराह रही होगी, जॉर्ज फर्नांडिस
विजय कृष्ण आनंद मोहन। रघुवंश बाबू किसके हैं? आरजेडी के, जेडीयू के? रघुवंश बाबू राजद के आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ जिस लड़ाई को उन्होंने जीवन भर लड़ने का काम किया उसको न कमजोर होने दिया और न होने देंगे। जो उनकी चिट्ठी, वो खत वक्त में, ये जो खत है यही तो संदेह उत्पन्न करता है। ये खत पर जो सियासत कर रहे हैं लोग, रघुवंश बाबू ऊपर से भी माफ नहीं करेंगे। रघुवंश बाबू के खत पर सियासत ना करें लोग, यही संदेह के घेरे में खड़ा होता है कि आखिर वेंटिलेटर पर जो व्यक्ति हो वो खत कैसे लिख रहा है। जिन्होंने जीवन भर एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़ी, 32 वर्षों का राजनीतिक पारिवारिक साथ रहा लालू प्रसाद जी के साथ, मरने के दो दिन पहले वो चार खत लिखते हैं, और ये सवाल कहीं ना कहीं शक और शुकवा पैदा करता है कि साजिश और षड्यंत्र किया गया है, लेकिन इसका लाभ नहीं मिलेगा। जनता जानती है रघुवंश बाबू के चरित्र को, जनता उनके गांव वाले कह रहे हैं कि आखिरी समय में दोनों भाइयों ने बहुत कष्ट दिया। उनके गांव के लोगों ने साफ साफ कहा है कि लालू जी ने उनका साथ नहीं दिया, लालू जी उनको हाशिए पर डाल दिए थे। देखिए, आदरणीय रघुवंश बाबू केंद्र में मंत्री रहे बिहार, बताइए ना पहले कि क्या दोनों भाइयों ने इस कदर उनके साथ नाइंसाफी की, जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह की बातें हुई। उनके गांव के लोग कह रहे हैं, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं। अब तो रघुवंश बाबू चले गए, गवाह तो है नहीं, उनके गांव के लोग गलत बोल रहे हैं। लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं, एक भी प्रमाण कोई दिखा दे कि आदरणीय रघुवंश बाबू ने अपने जुबान से कभी कुछ भी बोला हो तो हम मान लेंगे। रघुवंश बाबू ने क्या कहा नहीं कहा, चिट्ठी गवाह है। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव के लगातार बयान उस वक्त जो आ रहे थे उससे वो आहत थे। इसका नुकसान क्या पार्टी को उठाना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।